मुल्क नाज़रीन सज एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर हुसैन, शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सज एक्सप्रेस गरीबों की आवाज है, मलह मुस्तफा पे मौला का राज है। सच एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से 5 दिसंबर पे सिंधी कल्चर डे मनाया जाएगा। सिंध भर में तैयारियां उरूज पर। सिंध मेरी पहचान, जहां भी जाऊं पहन के जाऊं, जहां भी जाऊं पहन के जाऊं, है टोपी अजरक शान। जिए मेरी सिंध धरती, जिए मेरी सिंध, जिए मेरी सिंध धरती, जिए मेरी सिंध। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तर्जुमान अब्दुल्ला हाफिज का कहना है कि हवेलियां हादसा तैयारी के दोनों इंजन की खराबी के बायस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा शहर पिशावर में कोरोना से एक और डॉक्टर जहांबाग हो गया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं, हुकूमत की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। फैजगंज एहसास सेंटर पर गरीब लोगों से लूट मार जारी, इंतजामिया खामोश तमाशाई। खिलाफ केस की बंदिश के खिलाफ मिंचर के अवाम सरापा एहतजाज, सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने गैस की बंदिश के खिलाफ घरों से निकलकर कोयटा कराची कोमशारा को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अमेरिकी थिंक टैंक ने दावा किया है कि चीन ने शुमाली कोरिया के सरबराह कम जोंग इन और उनके अहले खाना को कोरोना से बचाव के तजुर्बाती वैक्सीन फराहम की। न्यूयॉर्क हिंदुस्तान में नारवा सलूक के खिलाफ सिखों ने हिंदुस्तानी कौंसल खाने का घेराव कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, नाज़रीन मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, तफ़सीलात से आपको आगाह करें। आपको बताएं, फैजगंज के करीब एहसास सेंट्रो जिसमें जफराबाद पकाचांग भंगोभन एहसास कफालत की किस्त आते ही एजेंट सरगर्म, गर्मियों से कटौती जारी, औरतों से 500 से लेकर 1500 तक कटौती की जा रही है। एसओपीस पे भी अमल कराने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। किलाद केस की बंदिश के खिलाफ मिक्सर के अवाम सरापा एहतजाज हैं। सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने गैस की बंदिश के खिलाफ घरों से निकलकर कोयटा, कराची, कोहमिशारा को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक जाम होने की वजह से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस मौके पर शहरियों ने कोहमिशारा ब्लॉक करके गैस हकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुजाहरे ने प्ले कार्ड उठाए रखे थे, जिस पर गैस बहाल करो के नारे दर्ज थे। याद रहे कि किलाद समेत दीगर इलाकों में कई महीनों से गैस मुकम्मल तौर पर बंद है। शदीद सर्दी में आवाम का वाहिद जरिया गैस है, गैस को भी मुकम्मल तौर बंद कर दिया गया है। मुजाहरे ने कहा है कि गैस बलूचिस्तान से निकलने के बावजूद यहां के आवाम को जानबूझकर गैस से महरूम रखा गया, आवाम के साथ बड़ी ज्यादती है। डिप्टी कमिश्नर कलात अजीज नजीर, इज्जत नजीर बलोच, कलात में गैस इंचार्ज मोहम्मद हाशिम अलजई से कामयाब मुजाकरात के बाद कोयटा, कराची, कोमिशारा को के लिए खोल दिया जाएगा। छिन्नी काछों में दो दफा आई हुई सैलाबों ने तबाही मचा दी। जान काछों के रिहायशियों के सारे घर गिर गए और पालतू जानवर भी सैलाबी पानी में बह गए। और काछों के मुख्तलिफ गाँव में MSF पाकिस्तान इदारे ने पहली मुफ्त मेडिकल कैंप लगाई। उसके बाद हर गाँव के घर घर जाकर हर एक लोगों को किचन सेट, हाइजन कट पानी के बर्तन, बाल्टियां और मच्छरदानियां तकसीम की। जहां सैलाब में ज्यादा नुकसान वहां टेंट और ज्यादा सामान तकसीम किया गया। आज भी काछों के गांव सावड़ो और बच्चल शाह के 300 से ज्यादा लोगों को किचन सेट, हाइजन कट पानी के बर्तने, मच्छरदानियां और दीगर सामान तकसीम किया गया। तफसीलात आपने जानी नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।